नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के क्रम में आदिकाल के अंतर्गत बौधायन आपस्तम आदि ने जो सुल सूत्र की व्याख्या की थी और उसके बाद में बौधायन और अन्य संप्रदायों ने जो विभिन्न ज्यामितीय रचनाओं की विधियां बताई थी उसके आगे कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इससे पीछे के मतलब वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि बौधायन और अन्य संप्रदायों ने कैसे ज्यामितीय रचनाओं की विधियां बताई थी। जैसे दो चार एग्जाम्पल देता हूँ, पीछे चर्चा हुई है लेकिन फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि दो भिन्न वर्गों के अंतर के बराबर वर्ग की रचना करना, वर्ग के बराबर त्रिभुज की रचना करना, वृत्त के बराबर वर्ग की रचना करना, वर्ग के बराबर वृत्त की रचना करना, ये आदि आदि बातें इसमें बताई गई थी। इसके आगे की क्या उपलब्धियां हैं भारतीयों की आदिकाल की, तो इससे आगे की उपलब्धियां हैं इस काल की। वैसे सबसे विशिष्ट उपलब्धि आप लोगों को बताया गया था पाई का मान, जो कि अंडर रूट 10 के मान के बराबर माना गया था। किसका? पाई की वैल्यू जो है अंडर रूट 10 की वैल्यू के बराबर बताया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल की एक और शाखा थी यही आदिकाल में, जिसको कहा जाता था सूर्य प्रज्ञप्ति काल। क्या कहा जाता था? सूर्य प्रज्ञप्ति काल। इस काल में जैन साहित्यों में गणित के विस्तृत विवरण उपलब्ध मिलते हैं, ठीक है। और इसकी दो प्रमुख कृतियां हैं जिसमें सूर्य प्रज्ञप्ति काल और चंद्र प्रज्ञप्ति काल, ठीक है, जैन धर्म में के ग्रंथ हैं और इसमें गणित के विषय में। तो मेरे साथियों, सूर्य प्रज्ञप्ति काल और चंद्र सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति ग्रंथ जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें दीर्घ वृत्त का उल्लेख मिलता है। सूर्य प्रज्ञप्ति में दीर्घ वृत्त का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जबकि आपको मालूम है दीर्घ वृत्त का जन्मदाता किसको माना जाता है? मालूम है? जिनको इतिहास नहीं मालूम है वो कहते हैं कि मिनाक्मस ने दीर्घवृत्त की रचना की 1150 साल पूर्व, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में नहीं है, मिनाक्मस के रचना से पहले करीब 150 साल पहले भारतीय लोगों को दीर्घवृत्त का ज्ञान था, उसके विषय की बहुत सारी वस्तु मतलब मैथमेटिक्स का ज्ञान था। यही नहीं, जब हमें बताते हैं कि मिनाक्मस इसका उत्थान जनक है तो हमें भूल जाते हैं कि मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में जो मिट्टी के अवशेष मिले उनमें बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं, ठीक है, जिसमें वृत्त, अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त ये सब रचनाएं। अब देखो वृत्त आप जानते होंगे, ए है वृत्त, ठीक है, जो चारों तरफ जिसका रेडियस चारों तरफ बराबर हो सेंटर से उसको हम वृत्त कहते हैं। लेकिन दीर्घवृत्त ऐसे इस अंडे की तरह होता है, आप लोग देखते हैं। अब हमारा सही से नहीं बन पाया क्योंकि रफ है, फेयर में आप देखोगे तो बन जाएगा, बढ़िया दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो इसमें हम ये देखेंगे मिट्टी के बर्तनों पर बना हुआ था, इसका मतलब उन्हें ज्यामित का ज्ञान था तभी तो, नहीं तो कहाँ से बना पाते, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ देखने की कोशिश करिए कि कैसे पश्चिम किसी चीज का श्रेय ले रहा है जबकि हमारे पास है वो मौजूद है, बस अंतर सिर्फ इतने कि हमें उसे खोजना है और बताना है लोग। तो आज मैं अपनी वीडियो को इतने पर ही विराम देता हूँ, इतनी ही बात कह करके। अन्य देशों का ज्यामिति के विकास में क्या योगदान है इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। और इसको सुनिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, जिससे ज्ञान लोगों तक पहुँचे। छोटी छोटी चीज़ें, पाइथागोरस थ्योरम, दीर्घवृत्त जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या दीर्घ, ये सब किसने खोजा था, पाई के मान को हम लोग कैसे निकाले थे, तो ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग हमारा सहयोग करिए, धन्यवाद।